एक दिन में 50,000 रुपये का सेल, यानी कि एक महीने में 15 लाख रुपए का सेल, और उसमें भी अपना छोटा सा एक मार्जिन अगर हम बात करें, यानी कि तकरीबन 10 से 15%, चलिए 10% की हम बात करते हैं ताकि कैलकुलेशन में आसानी हो। 10% अगर हम बात करें तो 10% का मार्जिन लेकर के काम किए होंगे तो ये तकरीबन 15 लाख का 10% देखे तो 1.5 लाख रुपए हो जाता है। 1.5 लाख रुपए प्रॉफिट सुन के कानों को कितना सुकून मिल रहा होगा, है ना। लेकिन सच्चाई क्या है, आज इस वीडियो में पूरा जानकारी लेंगे। वीडियो में बने रहिएगा, अंत तक जरूर से देखिएगा, और वीडियो में कहीं कुछ पसंद आ जाए तो लाइक ज़रूर से कीजिएगा। दोस्तों, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि कपड़े के दुकान में 1.5 लाख रुपए नहीं कमा सकते हैं, बिल्कुल कमा सकते हैं, लेकिन इस उम्मीद में कि मैं 20,000, 50,000, 1 लाख रुपए लगा करके और तुरंत मैं 1 लाख रुपया, 1.5 लाख रुपया महीना कमाऊंगा, यानी कि बहुत ऐसे सोशल साइट्स पे आपने देखे होंगे बिजनेस आइडियाज़ के बारे में कि जिसमें बताया जाता है 20,000, 50,000 रुपये लगा करके आप महीना का लाखों रुपए कमा सकते हैं। तो इस उम्मीद में 20,000, 50,000 इन्वेस्ट करना ये बेवकूफ़ों वाली बात है। 20,000, 50,000, 1 लाख रुपये में कुछ नहीं होता है, बस बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन ये उम्मीद मत कीजिएगा कि मैं अगले महीने से 1 लाख रुपये कमा लूँगा, ये बिल्कुल नहीं होता है। इसमें आपको समय देना पड़ता है। आपके किसी शहर में, आपके नज़दीकी शहर में एक दो ऐसे दुकानदार होंगे जिसने काफ़ी लंबे समय तक अपने दुकानदारी को संभाला होगा, आपके जो है कि पिताजी हो या आपके कोई बड़े बुजुर्ग को पता होगा कि उसने कब भी बिजनेस डाला, कितना समय दिया, कितना उसमें इन्वेस्टमेंट वगैरह, ये धीरे धीरे आपको जानकारी मिलेगा कि एक बिजनेस को सेटअप करने में, एक बिजनेस में कस्टमर का फील्ड बनाने में काफ़ी लंबा समय लगता है। आप खुद एक बार सोचिए ना, आपके घर में भाई बहन होंगे, पापा मम्मी होंगे, ये सभी जो है आपके घर में नए कपड़े कब कब लेते हैं, या तो उनको कहीं जाना रहता है या कोई शादी विवाह या पर्व त्यौहार ऐसे मौके पे लोग नए कपड़े खरीदते हैं। ज़्यादातर घरों का यही हाल है, जब उसे कहीं पे जाना होता है या कोई शादी फंक्शन अटेंड करना होता है या किसी को लेन देन वाला जो कपड़ा होता है तो उसी वक्त बिकता है, हमेशा हर दिन डेली ये नहीं बिकता है। मान के चलिए कोई अगर बड़ा बिजनेसमैन है, महीने का 1.5 लाख रुपये कमा रहा है, तो वो हर एक महीना, यानी कि एक साल में 12 महीने होते हैं, तो 12 महीने 1.5 लाख रुपए महीना नहीं कमाता है। इसमें ऑफ सीजन भी आता है। मान के चलिए आप शादी विवाह लगन जो होते हैं, पर्व त्यौहार होते हैं, ये हर साल में हर महीना में तो नहीं होता है, किसी महीना में होता है तो किसी महीना में नहीं होता है। तो जिसमें हुआ रहता है उसमें जो इनकम आता है तो उस इनकम को लोग जो ऑफ सीजन होते हैं उसमें अपना खर्चा वगैरह निकालने के लिए, ऑफ सीजन में कभी कभी ऐसा होता है कि आपको इतना बिजनेस चल जाता है जिसमें आपका मकान रेंट वगैरह जो है और छोटे मोटे खर्चे निकल जाए। लेकिन कमाई अगर मोटी कमाई करना हो तो उसके लिए फिर सीजन का इंतज़ार करना होगा, पर्व त्यौहार का इंतज़ार करना होगा। गैर सीजन के ये कपड़ा का दुकान चला पाना ये काफ़ी मुश्किल है। और बहुत से लोग क्या होते हैं कि अभी दुकान डाले और सोचते हैं कि अगले महीने से मैं 1 लाख रुपये महीना कमाऊँ, घबराने लगते हैं। इसमें आपको एक फील्ड बनाना पड़ता है। जैसे जैसे आपका फील्ड सर्कल, यानी कि हर गांव में आपका दो चार कस्टमर ऐसे होने चाहिए जो खुद तो दुकानदार आपके दुकान पे आ ही रहा है, कुछ ना कुछ लेकर के जा रहा है, लेकिन साथ ही साथ वो आपकी क्वालिटी अगर अच्छी हो तो 2-4 कस्टमर और वो बुला करके लाए आपके दुकान में, तो फिर एक अच्छा कमाई वहाँ पर बन सकता है। तो इसके लिए आपको क्वालिटी थोड़ा सा बढ़िया वाला रखना होगा, ताकि अभी एडवर्टाइज का ज़माना है, आपका सामान जो कस्टमर यूज करेगा वही आपके दुकान का ऐड कर देगा, मैंने इसके दुकान से ये कपड़ा लिया था, काफ़ी अच्छा है, प्रीमियम और सस्ता भी मिला, तो वो अगला ग्राहक फिर दूसरे ग्राहक को बताएगा, तब जाकर के आपका दुकान अच्छे तरीके से रन करेगा, फिर आपको 1-1.5 लाख रुपये कमा पाना ये कोई बड़ी बात नहीं है। 1-1.5 लाख रुपये कमाने के लिए आपको महीने में कम से कम, अगर मैं सेल की बात करूँ तो 10 लाख रुपये अगर आपका सेल हो रहा है, 8 से 10 लाख रुपए महीने का अगर सेल है तो 1-1.5 लाख रुपए आसानी से कमा सकते हैं। तो 8-10 लाख का सेल करने के लिए आपके पास पूंजी भी बड़ा होना चाहिए, बहुत सारा मेल होना चाहिए आपके दुकान में, A to Z सामान चाहिए, ताकि कोई कस्टमर अगर वो किसी भी सामान को लेने के लिए आ रहे हैं तो ले करके ही जाए, वापस नहीं जाए। तो इतना मेल आपके दुकान में मैनेज करने के लिए ये काफ़ी लंबा समय लग जाता है। धीरे धीरे आपको मार्केट समझना होगा, इस मार्केट में क्या चीज़ डिमांड है और क्या मुझे बेचना चाहिए, किस रेट पे बेचना चाहिए, तो ये समझने वाली बात है, इसमें समय लगता है। मैं यहाँ पे ये बिल्कुल नहीं कहूँगा कि 20,000, 50,000 में दुकानदारी नहीं होगा, हो जाएगा। 20,000 क्या, 10,000 में भी दुकानदारी हो जाता है, लेकिन 10,000 में कितने आइटम आएंगे ये आपको भी पता है, और उन आइटम को कितने लोग खरीद पाएंगे ये आपको भी पता है।
तो ये चीज है, आपको अगर बड़ा अमाउंट का प्रॉफिट चाहिए तो आपको एक अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। वहाँ पे एक अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट जब करेंगे तब आपको लगेगा कि हाँ, मेरे दुकान में कस्टमर आ रहे हैं और कस्टमर खाली हाथ नहीं लौट रहे हैं। उससे जो खरीदारी हो रहा है उससे मेरा इनकम हो रहा है और धीरे धीरे करके आपके दुकान में 1 लाख रुपये कमा पाना बिल्कुल आसान है। 1 लाख रुपये महीने का आराम से बच जाएगा। बस आपको थोड़ा सा स्मार्ट तरीके से अपने सामान को मैनेज करना है, मार्केट से हट करके। मार्केट में जो आइटम बिक रहे हैं हो सकता है उससे अगर सस्ता बेच पाए तो सस्ता बेचिए, या उससे अलग सामान रखिए। अगर आपको अच्छा प्रॉफिट लेना है तो उससे अलग सामान लीजिए। यह फैशन का सामान है, इसमें हर दिन नए नए फैशन देखने को मिलेंगे। कपड़े के आइटम जो है हर एक दिन, हर एक हफ्ते आपको एक नया चीज़ देखने को मिलेगा। अगर वो चीज़ आप जितना जल्दी अपने दुकान में मैनेज कर लेते हैं तो ग्राहकों का अट्रैक्शन आपके दुकान पे बनेगा और आपका दुकान प्रायोरिटी रहेगा उन कस्टमरों के लिए कि यहाँ पे सबसे जल्दी नया सामान आ जाता है और बहुत ही अच्छे और किफ़ायती रेट में मिलता है। तो यही जानकारी था। बस आप लोग अगर इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो कोशिश कीजिए थोड़ा सा बड़ा, 2-4-5 लाख रुपये इन्वेस्ट करने के लिए। 20-50 हज़ार रुपये में आपका दुकानदारी नहीं होगा। 20-50 हज़ार रुपये में आपका दुकानदारी वैसे लेवल का होगा जिससे आपका खर्चा भी चल पाना मुश्किल होगा। आएंगे कस्टमर तो आएंगे, 2-4 कस्टमर आएंगे, लेकिन वही 10-20 रुपया 50 रुपया फ़ायदा होगा जिससे आपका हो सकता है अगर रेंट वाला दुकान है तो रेंट मैनेज कर पाना भी मुश्किल हो, या हो सकता है अगर खुद का दुकान हो तो आपके खर्चे निकलना भी मुश्किल हो। तो हमेशा कोशिश कीजिए, बस थोड़ा सा समय जरूर लीजिए। जैसे ही आप समय अगर ज़्यादा लेते हैं तो उस समय में आपको क्या करना होता है कि कहीं से जानकारी लेते रहना चाहिए। जानकारी कौन से चीज़ के लिए क्या फेमस है, कौन से चीज़ कहाँ पे सस्ता मिलेगा, ये सभी जानकारी लेना चाहिए। फिर जाकर के तब एक मोटी खरीदारी जब करना हो तब आप वहाँ पे जाइए। अगर 10-20 हज़ार 50 हज़ार का खरीदारी करना हो तो आप अपने लोकल मार्केट के होलसेलर से भी ले सकते हैं, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, बस वही 8-10% का डिफरेंस होगा। इसमें आपका समय बचत हो जाएगा प्लस आने जाने का खर्चा बचत हो जाएगा। तो आप वहाँ पर जा करके जहाँ पे सूरत की बात होता है, सूरत में जा करके 20 हज़ार का सामान खरीदिएगा वो महंगा पड़ जाएगा आपको, वही आप अपने लोकल मार्केट होलसेलर में खरीदिएगा तो आपको सस्ता पड़ जाएगा। कारण यही है कि सूरत आने और जाने में आपका समय बर्बाद होगा, पैसा और एक्स्ट्रा लगेगा, 8-10% बचाने के चक्कर में ये काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो जाएगा आपको। तो कोशिश करिए कि आप लोकल मार्केट से ही सामान परचेजिंग करें और महीने का लाखों रुपए कमाएं। अगले वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कम से कम कितने पैसों में कपड़ा का दुकान स्टार्ट हो जाएगा, तो वो वीडियो मिस मत कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि वो वीडियो जल्द जब ही मैं डालूं सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो बस आज का वीडियो इतना ही रहेगा, मिलते हैं अगले वीडियो में नए जानकारी के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।